हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए 65 पैसे का स्टॉक लेकर के आया हूँ, लेकिन आपको ये स्टॉक समझ सकते हो कि 50-60 पैसे के लमसम, 50 पैसे के लमसम जब मिले तभी आपको बाई करना है। ठीक है, करंट प्राइस में भी बाई करके चल सकते हैं। अगर ये स्टॉक यहाँ से 3 रुपये के प्राइस तक जाता तो कितने परसेंट का रिटर्न बना करके दे सकता है आपको करंट प्राइस से। ठीक है, चार सौ 3% का रिटर्न बना करके देगा, और बहुत बार लोगों को इतना रिटर्न बना करके दिया भी है इस स्टॉक ने। अगर 3 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 6 रुपये का भी टारगेट दिखला सकता है ये स्टॉक। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर के आया हूँ, बोलता हूँ ना दोस्तों, पहले स्टॉक के अंदर ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना आपको जो कि खोने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मैं अपनी मंथली इनकम का मात्र 2% हिस्सा अपने पहले स्टॉक में लगाओ कि अगर मतलब बहुत कम अमाउंट होता है आपका 10,000 है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक हैं कि आपके पैसे को 400 गुना, 500 गुना, 1,000, 1,400, 1,500% का रिटर्न बना करके दे सकते हैं बहुत ईजिली। पेनी स्टॉक अंदर ऐसा होता है, बट ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो खा करके थूक देते हो ना पान गुट का, वैसा। ऐसा नहीं है कि हाँ यार ये पैसा 400-500% का रिटर्न बना करके देगा और अपने बैंक अकाउंट खाली करके इसी एक स्टॉक के अंदर हम लोग भर के अपना पैसा रख दे। देखो, ये पेनी स्टॉक के अंदर क्या देख करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये देख सकते हो। एक रेंज, ये रेंज आपको पता होना चाहिए। ये रेंज जिस भी स्टॉक में दिखे तुरंत वहाँ आप अपना अप्लाई करके चल सकते हो। बट उसके साथ और भी कुछ देखना रहता है, अभी मैं बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, स्टेप वाइज। तो ये एक रेंज जो होता है, ये रेंज होना चाहिए स्टॉक के अंदर। अब इस रेंज में ये स्टॉक देखो कहाँ ट्रेड किया है, बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास आ चुका है। ये स्टॉक बॉटम में आ चुका है, और जहाँ भी ऊपर गया था वहाँ से रॉकेट बना था, वहाँ सीधा बॉटम में आ चुका है ये स्टॉक। ठीक है, अगर ये स्टॉक 54.50 रुपये के रेंज मिले डेफिनेटली बाई करो। ज़्यादा नहीं, 1,000 रुपये या फिर 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई नहीं करनी है। और मैं क्या बोलता हूँ कि 100% की जैसे प्रॉफिट आए आपके अकाउंट के में, तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कैपिटल बुक कर लो। पहला नंबर अपना कैपिटल निकाल लो। अगर हमने 100 रुपये लगाया, 100 रुपये 100% की 100% की प्रॉफिट आई तो अपना कैपिटल निकाल ली। अब हम वेट करेंगे 200% होने का। अब जैसे ही स्टॉक 200% का रिटर्न दिया, फिर से हम 50% जो स्टॉक बचा हुआ था, यानी हमने 100 स्टॉक खरीदा, यानी 100 रुपये का माल लिया था, तो 50 रुपये का माल हमने बेचा तो हमारा कैपिटल आ गया 100 रुपये आ गया। अब जो 50% स्टॉक बचा हुआ है उसके अंदर से 25% स्टॉक 200% आने के बाद सेल कर देंगे और ऊपर जाने दो। जैसे 300% आता है, मतलब प्रॉफिट हम बुक करते रहेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट हम लूज ना कर जाए। क्योंकि पेनी स्टॉक अंदर मैं दिखला दूं आपको, अभी करंट टाइम में जब भी आता है सुनामी, देखो ये स्टॉक 43 पैसे के प्राइस से कहां तक भाग गया था, 3 रुपये, यानी 674% का रिटर्न बनाया था। लेकिन जो लोग यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक किए होंगे, ठीक है, वो फिर अपने रेंज में आ गए, अपने लेवल में आ गए जहाँ वो उन्होंने खरीदा था, फिर वो स्टॉक वहीं आ चुका है। तो हमारा कहने का तत्पर्य यह है, मतलब ये है कि आप जब भी बाय करो तो प्रॉफिट बुक करते रहो। उससे आपका क्या होगा कि आप सेफली खेल जाओगे यार, आपका पैसा बचा रहेगा, फंसेगा नहीं। और भी कुछ बातें हैं जो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। पहला कि एक रेंज में स्टॉक होना चाहिए, बिल्कुल अपने बॉटम में खरीदो। ठीक है, एक रेंज में है, 4-5 साल का अगर एक रेंज है तो वो ठीक है। ये स्टॉक बहुत अच्छा आपको, मुझे लगता है ऐसा, अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से 6 रुपये का भी टारगेट दिखलाएगा, 6-7 रुपये का, बट समय लगेगा। और इस स्टॉक का चलिए फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर और बातें करेंगे। तो ये देखो, ये BSE में लिस्टेड है, मार्केट कैप मात्र 4,86,00,000 का है, करंट प्राइस चल रहा है मात्र 65 पैसे, बुक वैल्यू देख सकते हो। दूसरा मेन पॉइंट क्या है इसकी, बुक वैल्यू
जिस भी स्टॉक के अंदर एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही हो, एक बहुत लंबे समय से एक रेंज में हो स्टॉक, उसे बाय करो। दूसरा नंबर कि इसकी बुक वैल्यू देख सकते हो, 3.24 रुपये है। अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे स्टॉक मिल रहा हो, उसका बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, उस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तीसरा नंबर ये है, पॉजिटिव सिग्नल्स क्या है, ROC 1.52 है, पॉजिटिव में है, और इस स्टॉक के अंदर देखो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर क्या ही कहना होगा, कुछ होगा तो ऐसा नहीं। देखो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक है, इसके इस स्टॉक के पास किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है, ठीक है, जीरो डेप्ट है, यानी जो इनकम लाएगी कंपनी सारा सारा इसका हो जाएगा। तो कंपनी डेट फ्री है, सबसे प्लस पॉइंट, और स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है बहुत नीचे। कौनस के अंदर आ जाओ तो कौनस के अंदर जो फर्स्ट लाइन है, थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पे आउट डिविडेंड। तो ये लाइन जिस स्टॉक के अंदर मिल जाए, समझ लो ना उस स्टॉक के अंदर ईयरली बेस पे प्रॉफिट तो हो रहा है कंपनी को, क्वार्टरली नहीं तो ईयरली तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहा, डिविडेंड का क्या ही हम लोग ये रखें। तो ऐसे स्टॉक के अंदर डेफिनेटली पैसा बनता है, बट राइट जगह पे बाय किए रहोगे तब, ठीक है। अब देख सकते हो ऐसे स्टॉक से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा पैसा बना करके दे सकता है, जो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो कंपनी। प्रमोटर के पास तो होल्डिंग आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट मैं अभी हिडन प्रमोटर दिखलाऊंगा आपको, छुपे रहे उस तक। तो दिसंबर वाले क्वार्टर में 21 लाख का इन्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, सितंबर में 17 लाख का, जून में 24 लाख का, मार्च में 36 लाख का लॉस लगा था कंपनी को। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। नेट प्रॉफिट 21 लाख का हुआ है दिसंबर में, सितंबर में 17 लाख का, जून में 23 लाख का, मार्च में 43 लाख का लॉस हुआ कंपनी को। अब यहाँ जाओ ईयरली बेस में हम लोग देखें, TTM में देखो 26 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ कंपनी को, 2022 में 39, 2021 में 58, 2020 में 1.11 करोड़ का, 2019 में 1.41 करोड़ का, मतलब ईयरली बेस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है स्टॉक, पॉजिटिव में है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। इससे ज़्यादा उम्मीद करना भी गलत है, इतनी छोटी कंपनी से क्या ही उम्मीद करें। और 18 लाख का नेट प्रॉफिट आया कंपनी को TTM में, 2022 में 21 लाख का, 2021 में 39, 2020 में 74 लाख का नेट प्रॉफिट आया कंपनी को, ठीक है। तो ईयरली बेस पे बहुत शानदार प्रॉफिट बना रही है कंपनी। कंपनी पास देख सकते हैं रिजर्व भी है 16.75 करोड़ का, ब्रॉविंग बिल्कुल जीरो है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खेल सकता है, मतलब अच्छा बना सकता है पैसा आपका ये स्टॉक। देखो पेनी स्टॉक अंदर क्या होता है कि स्टॉक नहीं चलते हैं तो 8 साल भी नहीं चलेंगे, 10 साल भी नहीं चलेंगे, लेकिन 6 साल भी नहीं चलेंगे, लेकिन अगर चला तो इतना पैसा बना करके देगा ये पेनी स्टॉक जितना आपको और स्टॉक नहीं बना करके देंगे, ठीक है। जैसे लार्ज कैप के स्टॉक जो है वो जितना पैसा नहीं बना करके देंगे, उससे कहीं को ना पैसा बना करके देते हैं ये पेनी स्टॉक। लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट इसी हिसाब से करना है कि हमारा पैसा ख़त्म भी हो जाए तो हमें कोई बात नहीं है। पेनी स्टॉक अंदर क्या होता है कि हमने 10 स्टॉक बाय किया, 10 में से 2-4 स्टॉक ऐसे भी रहते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब चलते ही नहीं, और वो सस्पेंड भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी स्टॉक होते हैं चलते हैं, हल्के चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं स्टॉक मल्टी बैगर साबित हो जाते हैं। तो मान लेते हैं 10 में से 1-2 मल्टी बैगर साबित हो गया, तो सारे स्टॉक का पैसा उसने ला करके दे दिया हमें, और उसके कई गुना पैसा बना करके देता है। कुछ स्टॉक होते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाते हैं, कुछ होते हैं अच्छे पैसे बना करके देते हैं, कुछ तो मल्टीपैगर हो जाते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ प्रमोटर के पास 0.01% की होल्डिंग है, और प्रमोटर के अंदर जो आदमी बैठा है उसका नाम है निमेश पी गंत्रा। पब्लिक के अंदर अगर हम लोग देखें तो 100% की स्टॉक हमारे पब्लिक भाई पब्लिक के पास है, लेकिन पब्लिक अंदर अब आ जाओ देखो 5.56% की होल्डिंग है,
अर्कैडिया शेयर एंड स्टॉक ब्रोकरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब दूसरा है 5.27% होल्डिंग, मतलब 10-11% की होल्डिंग इन्हीं के पास है, ललित एक्सपोर्ट के पास है 5.27% की होल्डिंग। 5% की होल्डिंग होगी चीव्यू के पास, रेड्डी हैं। अब 15-16% की होल्डिंग यही हो गई आपकी तैयार। कैलकुलेटर ओपन करके बैठ जाओ, कैलकुलेट कर लो अपना ये नंबर। 3.72% की होल्डिंग रिलीगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के पास है, यानी 15-16-17-18 और 2.76 आसिक स्टॉक ब्रोकिंग के पास है। तो 18-20% की होल्डिंग हो गई, 20-22% की होल्डिंग हो गई। अभी 2.68 है, यानी 30% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। इन्हें ही हम लोग बोलते हैं हिडन प्रमोटर, ठीक है। पब्लिक अंदर जो छुपे रुस्तम है, यही हिडन प्रमोटर हैं, ठीक है। तो ये इतना आसानी से स्टॉक ना, रिटेल का पैसा रहता तो फिर इस स्टॉक को ऊपर जाने में कोई वो नहीं रहता। और अगर आप ऐसे स्टॉक अंदर एंट्री किए हैं तो ये सारे लोग मिल करके कभी स्टॉक को डूबने नहीं देंगे, अगर डूबा तो इनका पैसा भी डूबेगा। अगर और ऑपरेटर गेम कब खेलता है तो सो स्टॉक का नाम, और सारी बातें करने से पहले तो बता दें स्टॉक का नाम। उससे पहले बता दें, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। इस स्टॉक का नाम है जेम्स स्टोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जेम्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो हमारे आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा नाम, ये देख सकते हैं दोस्तों। ऑपरेटर क्या गेम खेलता है, ऑपरेटर भी यही गेम खेलते हैं। वो क्या करेंगे, पेनी स्टॉक के अंदर जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है जिसका मार्केट कैप, उस स्टॉक के बॉटम को पकड़ लेते हैं, बॉटम में एंट्री करते हैं। पर ये ऑपरेटर ने अपना चाल चल दिया, एंट्री कहाँ किया, बॉटम में किया। अब वो खूब भगाएगा, पंप एंड डंप करेगा, खूब पंप करेगा, पैसा डालेगा डालेगा डालेगा। और जब रिटेल की एंट्री हो जाएगी, रिटेल देखेंगे अरे यार ये तो स्टॉक भाग रहा है, भाग रहा है, भागे जा रहा है ऊपर की तरफ, रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वो भी अपना पैसा लगाएंगे। जब रिटेल एंट्री करने लगेंगे तो जो ऑपरेटर है वो अपना माल सेल करेगा और बाहर आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, जो लोग ऊपर के लेवल में खरीदे रहते हैं वो फंस जाते हैं, जो लोग 3 रुपये के लेवल में खरीदे होंगे डेफिनेटली फंस गए होंगे इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नीचे के लेवल में खरीदना है और हमने जैसे बताया सेम वैसे करोगे तो कभी आप फंसोगे भी नहीं। ऑपरेटर का भी अगर पंप एंड डंप चलता है स्टॉक के अंदर, तो अगर इस लेवल में चलता है तो आप ऑपरेटर के साथ आप भी गेम खेल जाओगे ऑपरेटर के साथ, और आप भी अच्छा मुनाफा लेकर के बाहर आ जाओगे मार्केट से, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एंट्री करना है स्टॉक के अंदर, तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।